हेलो डी रेस्टोरेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम बात करने वाले हैं, जो अब टाइम आ रहा है, ठीक है ना, कि आपका टाइम अब आप कुछ दिन में बोर्ड मोड में चले जाओगे। मतलब आपको जो स्टूडेंट हमारी अपेयरिंग हैं, ट्वेल्थ अपेयरिंग के साथ नीट और जेई दे रहे हैं, वो अब थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाएंगे कि अभी बोर्ड के ऊपर फोकस करें या नीट पे या जेई पे। खासकर जेई वाले, नीट वाले को तो थोड़ा टाइम भी मिलेगा, जेई वाले स्टूडेंट तो प्लीज़ अभी आपको, अगर मेरा अगर बात मानो तो बोर्ड को तो लेके चलना ही है, साथ साथ वीक में दो या एक दो दिन एटलीस्ट आपका जो जेई का जो भी सिलेबस है, जो भी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स है जेई का, उसके ऊपर भी फोकस करना है। आपको साथ लेके चलना है, इसको छोड़ना नहीं है, पूरा एकदम कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है, नहीं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट जो होगा, फर्स्ट सेशन जो होगा जेई का मेन का, वो जनवरी में, तो आपको दोनों को मैनेज करना है। इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका, अभी आपका जो भी चैप्टर चल रहा है, जहाँ भी पढ़ रहे हो आप, वो चैप्टर को रिवाइज करने के भरोसे मत छोड़ो, उस चैप्टर को क्लास के साथ साथ ही कंप्लीट करते जाओ। और साथ साथ पीछे जो भी बैकलॉग है आपका, उसको कोशिश करो कि जितना जल्दी हो सके नवंबर एंड तक कंप्लीट कर लो या दिसंबर फर्स्ट वीक तक, और आप पूरा जी जान से बोर्ड में भी लग जाओ। और बोर्ड में आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है, जो भी डेरिवेशन है वो फोकस करना है, और सिलेबस साथ में रख के करना है, क्योंकि सिलेबस बहुत सारी चेंजेस आई है इसमें, ठीक है ना। तो ये जरूर ध्यान देना। बाकी कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमसे पूछे, मेरे चैनल पे हम आपको क्विक रिप्लाई देंगे। और एज ए फिजिक्स टीचर हम फिजिक्स को लेकर के भी आपके पास जल्दी आएंगे कि फिजिक्स को कैसे प्रिपेयर करना है। और खासकर वो स्टूडेंट जो अभी कुछ समय पहले तक हमसे पढ़ते थे, प्लीज़ आपको घबराना नहीं है, आपके साथ हम हैं और जितना होगा हम करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो डोंट वरी,